जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में और YT एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लें और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे लिए चलते हैं इन सभी अपडेट पे। और पहला सवाल आपके सामने है, आप भी आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस, और जो इस वर्ष का थीम रहा है ना, तो ये एड्स दिवस 2023 का जो थीम रहा है ये क्या रहा है, तो लेट्स कम्युनिटीज लीड, है ना। तो याद रखिएगा डी यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि सिम्बेक्स अभ्यास 2023 में कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो सिम्बेक्स, देखिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल है कि सिम्बेक अभ्यास, ये क्वेश्चन बनेगा कि किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, सिम्बेक्स अभ्यास सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहां पे याद रखिएगा कि ये जो शुरुआत हुआ था ये सन 2023 में हुआ था, सितंबर महीने में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 पे आंसर कर लीजिएगा। अमरोहा ढोलक को जीआई टैग कहाँ मिला है? बिल्कुल, अमरोहा की ढोलक किसको कहते हैं? अमरोहा ढोलक जो है ये जीआई टैग, यानी जीआई टैग यानी कि क्या कहते हैं इसको, ये ज्योग्राफिकल इंडक्शन कहते हैं, याद रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों आपको बता दें कि ये आपको मिला है कर्नाटक, सी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखेंगे यहाँ पे वाद्य यंत्रों के लिए जाना जाता है ये, और ये जीआई टैग इसको दिया गया है। ढोलक का निर्माण जो है यहाँ पर आम के, कटहल के और सागौन की लकड़ियों से भी किया जाता है, पर यहाँ पे ये एक तरह का लकड़ी है, अमरोहा का ढोलक। ठीक है, तो याद रखेंगे कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान की टीम के मेंटर कौन बने? बिल्कुल, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ओनडे इंटरनेशनल में, वर्ल्ड कप में दोस्तों इस बार शामिल भी था, और इसके बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, और अफगानिस्तान क्रिकेट के पूर्व दिग्गज अजय जडेजा भारतीय टीम के थे वो, है ना, तो ये मेंटर बने थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन बना था, तो अजय जडेजा ये कौन है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और ये खिलाड़ी भी हैं। तो आंसर क्या कर लेंगे, डी यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि विश्व निवेश रिपोर्ट के प्रथम स्थान प्राप्त है किसको भाई, विश्व निवेश में, है ना, विश्व निवेश में निवेश करने में रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका को प्रथम पे, फर्स्ट पे। तो एक सवाल और बनता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा 8वां है। कितना है? भारत का स्थान 8वां है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 6 पे आंसर कर लेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, याद रखेंगे 10 जनवरी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल है कि यहाँ पर विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, भारत का स्थान पूछा गया पे। ठीक है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पहले स्थान पे कौन है। ठीक है, यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा, तो भारत का जो सूचकांक है वो 126वां है। ठीक है, भारत का स्थान जो है सूचकांक में वैश्विक शांति सूचकांक में, सोचिए भारत अभी भी यहाँ पर शांति का प्रतीत माना जाता है पूरे विश्व भर में, लेकिन इसका स्थान 126वां है। पहले स्थान पे जो देश है दोस्तों उसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइसलैंड। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आंसर करेंगे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको क्या कहते हैं, UNDP कहते हैं इसको, याद रखेंगे। किसके द्वारा होता है ये, तो UNDP के द्वारा होता है। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, याद रखेंगे, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल अपने आप में। विश्व मधुमेह दिवस का थीम क्या है?
बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस 2023 के बारे में अगर इस बार बात कीजिएगा तो ये जो है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, और ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ से। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल के दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये लोगों के बीच में जो होता है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जुड़ी बीमारियों के बारे में बताता है, और मधुमेह जो है एक मेलिट सेट का बीमारी है, जो कि यहाँ पे आपको बताता है आपकी डायबिटीज, शरीर में चीनी का कमी या ज्यादा होना, ये चीजें आपको पता चलता है। तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे, आंसर करेंगे। धर्म गार्जियन 2023 किस देश के बीच हुआ है? चलिए, धर्म गार्जियन 2023 किस देश के बीच ये युद्धाभ्यास है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, भारत और जापान के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जापान, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। और ये एक एक्सरसाइज है, या और इसका चौथा संस्करण कब हुआ था, जो कि अभी आखिरी हुआ था, जो चौथा संस्करण था ये हुआ था दोस्तों 17 फरवरी लास्ट, है ना, 17 फरवरी से लेकर जो है आपका 2 मार्च 2023 तक ये चला था, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जापान में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में कि कहाँ हुआ था, तो ये जापान में हुआ था। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 68 कर लीजिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा पोषण सूचकांक, SOFI, सोफी कहते हैं इसको, याद रखेगा, है ना। और ये जो है सूचकांक 2022 में ही दिया गया था, और इसमें भारत का स्थान 68वां है। चलिए आप हमें यहाँ पे बताइएगा कि जो ये सूचकांक है ये कुल कितने देशों के बीच का है? तो ये कुल 113 देश इसमें शामिल थे, जिसमें वैश्विक खाद्य सूचकांक में यहाँ पर भारत का स्थान, जी हाँ, पे 68वां है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे, आंसर कर लेंगे। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आसान है वैसे, याद रखिएगा, बहुत सारे जो है आपको राजधानियों के नाम पूछे जाते हैं। चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है हमें। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? एग्जैक्टली, अगर आपको याद होगा तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ना, यानी कि विश्व प्रेस ये कब मनाया जाता है सूचकांक, ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है ये मनाया जाता है 3 मई को, पहला चीज तो याद रखिएगा, और हर साल मनाया जाता है। और ये जो है रिपोर्ट कौन करता है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF जो है, इसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, और इस सूचकांक में कुल जो है ना 180 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? तो 180 देश शामिल हैं। अच्छा, इस सूचकांक में जो है ना जो अंक मिले थे भारत को, वो लगभग जो है ना 36.62, है ना, 62 के अप्रोक्स मिले थे, और भारत का स्थान जो है 161वां है, ठीक, तो इतना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और 2022 में ये सूचकांक जो भारत का था 150वां था, ये क्वेश्चन पूछेगा तो, ना, 2022 में, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे, आंसर करेंगे। साइक्लोन एक 2023 कौन सी सेना का अभ्यास है? साइक्लोन 1 जो है ये 2023 में जो हुआ है, ये किस दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है, और किस तरह का है एक्चुअली, यहाँ पे पूछा गया है। तो बिल्कुल ये थल सेना वाला युद्धाभ्यास है, ठीक है, भारत और मिस्र के बीच, ये क्या रखेंगे यार ना, भारत और मिस्र के बीच, किसके बीच? मिस्र यानी कि इजिप्ट के बीच ना, है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 14 जनवरी को हुआ था, ये याद रखिएगा, है ना, 14 जनवरी 2023 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा, राजस्थान इंडिया में हुआ था, और ये जो हुआ था दोस्तों ये जैसलमेर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर में, लिख लीजिएगा। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। मोचा तूफान से प्रभावित क्षेत्र है?
मोचा तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो बिल्कुल बांग्लादेश भी था और म्यांमार भी था, तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। वैसे भारत का भी कुछ क्षेत्र था, तो अगर भारत होता तो वो भी आंसर हो जाता, ठीक है? तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे, आंसर कर लेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ यानी कि चौथा स्थान रहा। यह इसको कहते हैं फायर पावर इंडेक्सेस, है ना, यानी कि ये मारक क्षमता के बारे में जो है बताता है हमें, है ना। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है ये, भारत के पास दुनिया का अगर देखा जाए तो चौथा सबसे शक्तिशाली सेना है ना, और अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पे है। वैसे अमेरिका और जो रशिया है उसमें एक दो नंबर का फाइट रहता है कि फर्स्ट पे कौन है सेकंड पे कौन है, और ये टोटल देखिएगा तो 145 देशों का सूचकांक है ये, ठीक है, ये इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स है ये, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये भारत का स्थान चौथा है, ये यहाँ पर सेनाओं के लिए है ना, शक्तिशाली सेनाओं में। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, आंसर कर लेंगे। अनवारुल हक कक्कर कहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल, ये जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहने का मतलब है ये तत्काल जो है अभी बने हुए पाकिस्तान के। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। किड्स राइट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम स्थान पे है आइसलैंड, ये आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ भी सकता है एग्जाम में, है ना। और आइसलैंड है किसमें, तो किड्स राइट इंडेक्सेस में, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे, ये हैं हुन मैनेट, जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, आंसर करेंगे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के तहत वर्ड ऑफ द ईयर 2023, जी हाँ, ये वर्ड ऑफ द वर्ड है, ये वर्ल्ड लिख दिया गया है ना, ये वर्ड ऑफ द ईयर है ना, वर्ड ऑफ द ईयर याद रखेंगे, ये 2023 का है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार जो है इसको किया गया है हेलुकिनेट को, हेलुकिनेट को याद रखेंगे, हेलुसिनेट कहते हैं, और ये शब्द जो है ना वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, और ये डिक्शनरी ने इस शब्द की नई परिभाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया है ना, याद रखेंगे, तो हेलुसिनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। सवाल नंबर चलते हैं, इसका मतलब होता है भ्रम फैलाना, भ्रम पैदा करना। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये हैं सेलेस्ट सोलो, नोट कर लीजिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 4 जनवरी को ये हुआ जारी ये लिस्ट, और ये महिला महासचिव बनी है सेलेस्ट सोलो, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे, आंसर कर लेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, एग्जैक्टली याद रखेंगे, 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, बिल्कुल इनका नाम है नौर अल मतो रोशी, यहाँ पे सी उत्तर कर लीजिएगा, और ये ट्वीट के माध्यम से भी बताया गया था सबसे पहले, यहाँ ट्वीट करके यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा, 27 साल की ये थी यहाँ पर, और ये नौरा अल मतोशी जो है ये यूएई से हैं। तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमारात का करेंसी क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। स्पेसएक्स और टेक्सला के संस्थापक कौन है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कौन है, तो ये है एलन मस्क, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, एलन मस्क इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पे। बुल्गेरिया की राजधानी है? तो अगला सवाल है कि बुल्गेरिया की राजधानी कहाँ है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये है सोफिया, यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, एक मिनट,
चलिए तो आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ बी सोफिया इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। जी हाँ, डेली YT एजुकेशन पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे अब, और इससे रिलेटेड आपके जितने भी बिहार के परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर यहाँ पे कराए जाएंगे। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार में SI और बिहार SSC की परीक्षाएं आने वाली हैं, और मेंस का एग्जाम होने वाला है, और तो उन सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आपको रोज यहाँ पर शाम के 9 बजे ये मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, 16 अक्टूबर, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं, इक्वाडोर की मुद्रा क्या है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, ये अमेरिकी कंट्री है दोस्तों इक्वाडोर, याद रखेंगे। और यहाँ भी चलता है डॉलर, ये अमेरिकी डॉलर ही चलता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज में भारत के प्रथम मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज में भारत के प्रथम मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो या ध्यान रखिएगा, मुंबई को मिला है स्थान, ठीक है, मुंबई का स्थान है ये, एग्जैक्टली याद रखेंगे, 130रा है ना, 103वां कहते हैं इसको, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 29 पे है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान किसका है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मतलब कि वहां पे भ्रष्टाचार है ही नहीं, एग्जैक्टली जीरो है वहां पे, यह डेनमार्क, लोग ही नहीं है तो कहां से, मतलब बहुत कम लोग हैं, तो भाई डेनमार्क ऐसा कंट्री है जहां पे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है, और ये सूचकांक भी जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है। तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर इट्स UK यानी कि यूनाइटेड ऑफ किंगडम, तो लंदन लिखा गया है यहाँ पे, सिटी का नाम है ये, पर ये ध्यान रखिएगा, आंसर कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये पहले स्थान पे है, उसके बाद अगर देखें तो जर्मनी का नाम आता है म्यूनिक जो कि शहर है उसका, और फिर है सियोन है ना, सियोल जो कि दक्षिण कोरिया का आता है, तो ये आपको ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड जो है चौथे स्थान पे है। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे, विश्व विरासत दिवस का थीम क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों हेरिटेज चेंजेस, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, हेरिटेज चेंजेस, विरासत और जलवायु, यहाँ पर ये पिछले साल का थीम था, और इस साल 2023 का अगर पूछेगा है ना, तो यहाँ पे मैं 23 का बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, हेरिटेज चेंजेस, हेरिटेज क्या करेंगे, हेरिटेज चेंजेस। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 32 पे, सलेम साबुनदाना को GI टैग मिला है, सलेम साबुनदाना को GI टैग मिला है। बिल्कुल ये देखिएगा, तमिलनाडु का स्टेट है ये, और इसको याद रखना होगा आपको, आंसर बी कर लीजिएगा, तमिलनाडु राज्य में सलेम जिले में है ना, सलेम नाम का जिला है वहाँ पे एक साबुदाना उत्पन्न होता है यानी कि पैदा किया जाता है, और उसको व्यापक रूप पर यूज भी लाया जा रहा है, और इसको यहाँ पे GI टैग दिया गया है, एक तरह का स्टार्च पाउडर भी यहाँ से प्राप्त होता है हमें साबुदाने से। सवाल नंबर 33, मालदीव की मुद्रा क्या है। तो ये मालदीवी रुपया कहते हैं इसको, ठीक है, भारतीय रुपया नहीं है ये, मालदीवीय रुपया है ये, ठीक है, भारत का क्या है, रुपया है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे, YouTube के CEO कौन है। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बने हैं ये नील मोहन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। और यहाँ के जो अभी गूगल की अगर आप बात करेंगे तो उसके CEO हैं सुंदर पिचाई जो कि भारत के ही हैं। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे 14 जून इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 236 पे,
2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रथम स्थान किसका है? जी हाँ, याद रखेंगे दोस्तों, वालमार्ट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, वालमार्ट इस सूची में सबसे ऊपर है, और इसके बाद सऊदी जो अरमैको का कंपनी है और स्टेट ग्रिड है ना, याद रखेंगे, सऊदी अरमैको और स्टेट ग्रिड जो है इसके दूसरे स्थान पे। तो 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम स्थान पे कौन है? तो वॉलमार्ट है, याद रहेगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 16 मार्च इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पे हम मनाते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे, आंसर करेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल यूथ जो है डे हम लोग मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे। आप हमें बताइए कि कब मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम है, विकसित भारत। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे विकसित युवा और विकसित भारत। ठीक है, चलिए आप हमें बताइए कि कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर आंसर कर लीजिएगा 45, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे, आंसर करेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा ए 127वां, नोट कर लीजिएगा यहां पर। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच पर यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान 27वां है, 100। सवाल नंबर 41, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में प्रथम स्थान किसका है? हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यह है बर्नार्ड अनर लॉट, नोट कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। और हुरुन ग्लोबल लिस्ट में अगर देखें तो भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी हैं, जो कि भारत की तरफ से सबसे अमीर हैं, और गौतम अडानी यहाँ पर उनके बाद आते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे, आंसर करेंगे, एशिया पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये जारी करते हैं लोवी, बी इज द करेक्ट आंसर। लोवी इंस्टीट्यूट एक तरह का थिंक टैंक है, जो कि भारत प्रशांत क्षेत्रों की तरफ ये रहता है, यानी कि अगर भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो ये याद रखिएगा, ये हिंद वाले क्षेत्र जो है ना, इस तरफ ये टैंक रहता है, ये थिंक टैंक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये 2018 में जो है एशिया पावर इंडेक्स इसको जारी भी करता है, इसके बारे में जो इंडेक्सेस है ना, तो एशिया पावर इंडेक्स जो है ये जारी करता है, कौन जारी करता है? तो लोवी, याद रखेंगे, लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 43 पे, विश्व खुशहाली सूचकांक इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? तो फिनलैंड है, याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 44, कारी इशाद आम को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? कारी इशाद आम जो है ये है दोस्तों कर्नाटका का, याद रखेंगे, डी इज द कर्नाटक करेक्ट आंसर, उत्तर कन्नड़ के क्षेत्रों में है ये, और इसको जीआईटी यानी कि भौगोलिक संकेतक में दिया गया है। सवाल नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं दोस्तों यहाँ पर 21 मई को, याद रखेंगे। 46 पे आइए, 2023 में अरबपति के लिस्ट में भारत का स्थान कौन है, मतलब कि सबसे ज्यादा अमीर अरबपतियों में? ठीक है, तो अरबपतियों की लिस्ट तो वैसे भारत में ज्यादा है, लेकिन ये भारत का स्थान अभी भी तीसरा है। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर क्या कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। और सबसे हम जो अरबपति अमीर लोग हैं, सबसे कहाँ है ज्यादा? तो अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए। सवाल नंबर चलते हैं 47 पे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे, आंसर करेंगे, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल ये है पंकज वोहरा, इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, पंकज वोहरा इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर 49, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 किस देश के बीच हुआ है? बिल्कुल, भारतीय और सिंगापुर के सैनिकों के बीच में हुआ है, ये जोधपुर में हुआ है, ये एक मिलिट्री स्टेशन पे हुआ है और 6 मार्च से 17 मार्च के बीच में हुआ है। इसको कहते हैं द्विपक्षीय अभ्यास। क्या कहते हैं इसको? द्विपक्षीय अभ्यास। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे, जो कि आज का आखिरी सवाल है। कोप इंडिया 2023 आयोजन स्थल। भारत। इस दर नोट नोट कर लीजिएगा आप लोग। 2023 एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होना तय था। और अच्छा नहीं, ये जो है ना, ये है कोप, कोप के बारे में, कोप इंडिया का आयोजन जो है ये भारत में होना था, ठीक है, ये अलग है ना। आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी आपको हमने 50 क्वेश्चन करवाए, ये करंट के टॉपिक थे, है ना। आप लोगों ने कितने आंसर जो है यहाँ पे सही किए हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोज अगर आपको चाहिए लगातार तो भी कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।